हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 16 जुलाई 2020 और आज के डेट के जो भी करंट अफेयर्स हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और वीडियो के लास्ट में आप लोग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स है और साथ में क्विज भी है, तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक पॉजिटिव थाट से। अर्जुन की तरह आप अपना चित्त केवल लक्ष्य पर केंद्रित करें, एकाग्रता ही आपको सफलता दिलाएगी। तो मेक श्योर आप मेहनत कर रहे हैं तो पूरी कंसंट्रेशन के साथ मेहनत कीजिए, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। तो चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कल के वीडियो का कुछ रिवीजन। हाल ही में विधु पी नायर को तुर्कमेनिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में हेमंत हरिश्चंद्र कोटलवार को चेक गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में रुद्रेंद्र टंडन को अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में विक्रम डोराईस्वामी को बांग्लादेश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश ने मास्क नहीं पहनने वालों के लिए रोको टोको अभियान शुरू किया है। हाल ही में के शिवन को वॉन कर्मन पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया गया है। हाल ही में IIT कानपुर ने UV सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध विकसित की है। हाल ही में फेडरल बैंक ने अपने कार्ड धारकों के लिए वीज़ा सिक्योर लॉन्च करने के लिए वीज़ा के साथ समझौता किया है। हाल ही में छत्तीसगढ़ को एलाइट एक्सीलेंस पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में हेमांग आमिन को BCCI के अंतरिम CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में आंध्र प्रदेश ने लापता बच्चों की खोज के लिए ऑपरेशन मुस्कान लॉन्च किया है। गुरुबख्श सिंह और पलाश नंदी को मोहन बगान रत्न से सम्मानित किया जाएगा और हाल ही में सचिन पायलट को राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया है। तो आइए मूव करते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। हाल ही में एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में अशोक लवासा को नियुक्त किया गया है एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो अशोक लवासा अभी हाल ही में चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने वाले थे इंडिया के, जो अभी फ़िलहाल सुनील अरोरा हैं और इनका कार्यकाल अप्रैल 2021 में ख़त्म होने वाला था। उनके बाद नंबर था अशोक लवासा का, लेकिन उन्होंने इलेक्शन कमीशन छोड़ दिया और अब लवासा को नियुक्त कर दिया गया है एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। ओके, और इसके पहले इस पद पर थे दिवाकर गुप्ता, तो दिवाकर गुप्ता को रिप्लेस करेंगे अशोक लवासा और दिवाकर गुप्ता का टेन्योर है वो 31 अगस्त को समाप्त हो रहा है। बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1966 में। इसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में और प्रेसिडेंट हैं मसात्सुगु असाकावा। ओके, मसात्सुगु असाकावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विथ इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर। हाल ही में किसे इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में वेद प्रकाश दुदेजा जी को कन्फर्ड किया गया है इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर, तो इन्हें ये अवार्ड दिया गया है RIMBDA यानी कि रेल इंफ्रा एंड मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड्स की तरफ से। और ये अभी फ़िलहाल में वाइस चेयरमैन हैं RLDA के। RLDA का मतलब है रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ओके, और इन्हें अवार्ड दिया गया है इनके कंट्रीब्यूशन के लिए, जो इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है उसके लिए। ओके, इनके लीडरशिप के अंडर में RLDA ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, जैसे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, मल्टी फंक्शनल कॉम्प्लेक्स, कॉलोनी रीडेवलपमेंट और स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ स्टॉप्ड इन इम्प्लीमेंटिंग PM स्वनिधि योजना। हाल ही में किस राज्य ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे रहा है PM स्वनिधि योजना को इम्प्लीमेंट करने में या लागू करने में। तो PM स्वनिधि का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, और ये स्कीम एक स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी थी। जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो कोरोना के चलते जिनका भी बिजनेस पूरी तरह बैठ गया था, तो उनको अपने बिजनेस को दोबारा से रिस्टार्ट करने के लिए यहाँ पे क्रेडिट फैसिलिटी दी जा रही थी गवर्नमेंट की तरफ से। लगभग 10,000 रुपये तक का आर्थिक मदद दिया जा रहा था एक साल तक के लिए। ओके, और अभी तक 870,330 वेंडर ने
रजिस्टर कर चुके हैं इस स्कीम के अंडर में, और जिसमें से लगभग 1,76,000 स्ट्रीट वेंडर को आइडेंटिटी कार्ड और सर्टिफिकेट इशू करा दिया गया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है भोपाल, गवर्नर हैं लालजी टंडन, लेकिन फ़िलहाल लालजी टंडन अवेलेबल नहीं है क्योंकि उनकी तबीयत सही नहीं है, तो इनकी जगह यूपी की गवर्नर हैं, इनका नाम है आनंदीबेन पटेल। तो आनंदीबेन पटेल को यूपी गवर्नर के साथ साथ मध्य प्रदेश के गवर्नर का भी अतिरिक्त चार्ज दिया गया है, और चीफ मिनिस्टर है मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ लॉन्च डिजिटल चौपाल टू मार्क इट्स 39th फाउंडेशन डे। किस बैंक ने अपने 39वें स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए डिजिटल चौपाल लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में नाबार्ड ने अपने 39th फाउंडेशन डे के दौरान डिजिटल चौपाल लॉन्च किया है। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, तो इसने अभी हाल ही में 13 जुलाई 2020 को अपना 39वां फाउंडेशन डे यानी कि स्थापना दिवस मनाया है, और इसी फंक्शन के दौरान उन्होंने डिजिटल चौपाल लॉन्च किया था वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस। और इसी दौरान नाबार्ड ने दो स्कीम भी लॉन्च की थी, पहली थी 5,000 करोड़ रुपए की, और इसे लॉन्च किया गया था वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, और दूसरी 5,000 करोड़ रुपए की जो स्कीम थी वो थी जो प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं उनको मल्टी सर्विस सेंटर में चेंज करने के लिए। नाबार्ड की बात करें तो इसका फुल फॉर्म तो बता ही दिया है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1982 में, यहाँ के चेयरमैन हैं जीआर चिंटाला, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड यूथ स्किल डे वॉज ऑब्जर्व। निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व युवा कौशल दिवस 2020 मनाया गया? तो अभी 15 जुलाई को मनाया गया वर्ल्ड यूथ स्किल डे, और इस साल की थीम थी स्किल फॉर रिसाइलेंट यूथ। ओके, थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, स्किल फॉर अ रिसाइलेंट यूथ। इस डे को मनाया क्यों जाता है? तो ग्लोबल इकोनॉमिक्स के लिए वोकेशनल एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन, और इसके साथ साथ अदर रिलेवेंट स्किल के डेवलपमेंट का क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये डे मनाया जाता है। ओके, और इसी तारीख को स्किल इंडिया मिशन लॉन्च किया गया था 5 साल पहले, तो यानी कि ये इस साल इसकी 5वीं एनिवर्सरी भी थी स्किल इंडिया मिशन की। और इसी दौरान मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने एक डिजिटल कॉन्क्लेव भी ऑर्गेनाइज कराया था। तो अभी तक जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं तो आइए उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले है 1 जुलाई, 1 जुलाई को हुआ था नेशनल डॉक्टर्स डे, नेशनल पोस्टल वर्कर डे, कनाडा डे और चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। फिर है 2 जुलाई, 2 जुलाई को मनाया गया वर्ल्ड UFO डे, 4 जुलाई को मनाया गया USA's इंडिपेंडेंस डे, और इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे जो कि जुलाई के फर्स्ट सैटरडे को मनाया जाता है, तो पहला सैटरडे इस साल 4 को ही था, तो 4 जुलाई को ही मनाया गया इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे। उसके बाद है 6 जुलाई, 6 जुलाई को था वर्ल्ड जूनोसिस डे, 10 जुलाई को था नेशनल फिश फार्मर्स डे, 11 जुलाई को था वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 12 जुलाई को था वर्ल्ड मलाला डे, और अभी 15 जुलाई को हो गया वर्ल्ड यूथ स्किल डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ पार्टनर्ड विथ कोर्सेरा टू अप स्किल 50,000 अनएम्प्लॉयड यूथ ड्यूरिंग कोविड-19। कोविड-19 के दौरान 50,000 बेरोजगार युवाओं को ऊपर उठाने के लिए किस राज्य ने कोर्सेरा के साथ भागीदारी की है? तो अभी हाल ही में ओडिशा ने भागीदारी की है कोर्सेरा के साथ, ताकि कोविड-19 के दौरान जो भी लगभग 50,000 अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको ऊपर उठाया जा सके या उनकी स्किल को और डेवलप किया जा सके। तो कोर्सेरा एक लीडिंग ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इसी के साथ ओडिशा स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी OSDA ने पार्टनरशिप की है ताकि 50,000 अनएम्प्लॉयड यूथ्स को ट्रेनिंग दी जा सके कोविड-19 क्राइसिस के दौरान। इस प्रोग्राम के तहत कुछ फील्ड्स में ट्रेनिंग दी जाएगी, जैसे कि जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और उसके अलावा प्रोफेशनल सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे जैसे गूगल IT सपोर्ट,
प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, और ये सर्टिफिकेट ऐसे पीपल्स को ट्रेन करने के लिए है जिनका कि जो बैकग्राउंड है वो टेक्निकल नहीं है, और फिर भी जो अभी प्रेजेंट में जॉब है उनमें हाई डिमांड है टेक जॉब्स की या टेक बैकग्राउंड की। लेकिन जिनके पास ये टेक बैकग्राउंड नहीं है तो उनके लिए ये सर्टिफिकेट लॉन्च किया गया है ताकि उन्हें भी आसानी से जॉब मिल सके। बात करें उड़ीसा की तो कैपिटल है उड़ीसा की भुवनेश्वर, गवर्नर हैं गणेशी लाल और चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड ई क्रॉप इनिशिएटिव फॉर द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रॉप्स। हाल ही में किस राज्य ने फसलों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के लिए ई क्रॉप पहल शुरू किया है? तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है ई क्रॉप इनिशिएटिव फॉर द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रॉप्स, मतलब फसलों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए इसे लॉन्च किया गया है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है अमरावती, गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जगमोहन रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इंडियाज़ ओनली गोल्डन टाइगर हैज़ बीन स्पॉटेड रिसेंटली। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर हाल ही में देखा गया है? तो जो असम का नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क, यहाँ भी हाल ही में गोल्डन टाइगर देखने को मिला। एक्चुअली में टाइगर नहीं टाइग्रेस थी, और बताया जा रहा है कि ये इंडिया की एकमात्र गोल्डन टाइग्रेस है, और इसी पार्क में अभी हाल ही में रिसेंटली में एक ब्लैक पैंथर भी देखने को मिला था। तो काजीरंगा नेशनल पार्क है असम में। ओके, इसके अलावा मानस नेशनल पार्क ये भी असम में है, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है और बांधवगढ़ नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में है। ओके, ये भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार आपसे स्टैटिक में पूछ लेता है कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ फोटो में आप देख सकते हैं ये है वो गोल्डन टाइग्रेस जिसको अभी हाल ही में काजीरंगा नेशनल पार्क में स्पॉट किया गया है। असम की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है दिसपुर, गवर्नर हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी और चीफ मिनिस्टर हैं सर्वनंदा सोनोवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द टॉप पब्लिसिस्ट अवार्ड इन द ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020। वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार 2020 में शीर्ष प्रचारक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सचिन अवस्थी को ऑनर दिया गया है टॉप पब्लिसिस्ट अवार्ड का ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 में, और इनको ये अवार्ड दिया गया है एक वेबिनार में जो कि अभी हाल ही में लंदन में ऑर्गेनाइज हुआ था। और सचिन अवस्थी ने 5 दिन लंबा चलने वाला एक गंगा अवेयरनेस जर्नी स्टार्ट किया था जो कि हरिद्वार से स्टार्ट हुआ था और वाराणसी तक चला था। ओके, इसका नाम था वंदे गंगे स्वच्छता जन जागरण यात्रा, वंदे गंगे स्वच्छता जन जागरण यात्रा। बात करें वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ड्राइव के फाउंडर और चेयरमैन की, तो फाउंडर एंड चेयरमैन है अब्दुल बशीद सायद, और हेडक्वार्टर है इसका लंदन में, लंदन यानी कि यूके यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूएन एजेंसी हैज़ टाइड अप विथ FICCI एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फाउंडेशन टू डेवलप #reimagine कैंपेन। #reimagine कैंपेन को विकसित करने के लिए किस संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने फिक्की और सामाजिक आर्थिक विकास फाउंडेशन के साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने पार्टनरशिप किया है फिक्की के साथ और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फाउंडेशन के साथ, ताकि अपने जो कैंपेन है उसका #reimagine कैंपेन उसका डेवलपमेंट किया जा सके। तो इस कैंपेन को लॉन्च क्यों किया गया है? तो COVID-19 पैंडेमिक के चलते जो भी पॉपुलेशन खतरे में है और उनके साथ साथ चिल्ड्रंस को सपोर्ट करने के लिए इंडिया में इस कैंपेन को लॉन्च किया गया है। फिक्की की बात करें तो फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं संगीता रेड्डी, सेक्रेटरी जनरल हैं दिलीप चेनॉय, और हेडक्वार्टर है फिक्की का न्यू दिल्ली में। और यूनिसेफ की बात करें तो यूनिसेफ का पुराना नाम था यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड। ओके, ये 1946 से 53 तक था, और 53 के बाद इसका नाम चेंज करके कर दिया गया यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड।
इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में। यहाँ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं हेनरीटा होल्समैन फोर, और यूनिसेफ के इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं डॉक्टर यास्मीन अली हक। ओके, डॉक्टर यास्मीन अली हक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड एंड लेड फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ 11 हाईवे प्रोजेक्ट्स इन हरियाणा वर्चुअली। हाल ही में हरियाणा में 11 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किसने किया है? तो अभी हाल ही में नितिन गडकरी ने इनॉग्रेशन किया है 11 हाईवे प्रोजेक्ट्स का हरियाणा में, और इसको इनॉग्रेशन जो है वो वर्चुअली किया गया है। नितिन गडकरी हैं यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे, और उसके साथ ही माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, और इन 11 प्रोजेक्ट्स की जो लागत है लगभग 20,000 करोड़ के लगभग है, जिसमें से जो 3 प्रोजेक्ट हैं 2,240 करोड़ के, उनका इनॉग्रेशन हो चुका है, और जो 8 प्रोजेक्ट हैं 17,000 करोड़ के, इनका अभी शिलान्यास हुआ है। हरियाणा की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है चंडीगढ़, गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्या, और चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल कट्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिलीज्ड प्रज्ञाता गाइडलाइंस ऑन डिजिटल एजुकेशन। हाल ही में डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञाता दिशा निर्देश किसने जारी किए हैं? तो अभी हाल ही में रमेश पोखरियाल निशांक जी ने, जो कि हमारे HRD मिनिस्टर हैं, इन्होंने रिलीज़ किया है प्रज्ञाता गाइडलाइन डिजिटल एजुकेशन के लिए। तो इस नई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो प्राइमरी प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स हैं उनकी जो ऑनलाइन क्लास है उसके लिए निर्देश दिया गया है कि वो 30 मिनट से ज़्यादा नहीं रखी जाएंगी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 मिनट तक की एक ऑनलाइन क्लास रखी जाएगी। और इसके अलावा जो क्लास फर्स्ट टू एट्थ है यानी पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों के लिए 30 से 45 मिनट तक के 2 सेशन रखे जाएंगे सिर्फ, और उसके अलावा जो क्लास 9 टू 12th है यानी 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए 4 सेशन रखे जाएंगे, और उन चारों सेशन का भी ड्यूरेशन 30 से 45 मिनट का ही होगा। और इस प्रज्ञाता में गाइडलाइन में लगभग 8 स्टेप इंक्लूड किए गए हैं, उन्हीं के नाम पे ये रखा गया है प्रज्ञाता। जैसे P से है प्लान, R से रिव्यू, A से अरेंज, G से गाइड, Y से यक यानी कि टॉक, A से असाइन, T से ट्रैक और A से अप्रिशिएट। ओके, तो इन्हीं 8 को मिला के प्रज्ञाता नाम रखा गया है। ओके, फिर से देख लीजिए, प्लान, रिव्यू, अरेंज, गाइड, यक यानी टॉक, असाइन, ट्रैक एंड अप्रिशिएट। तो अब मूव करते हैं आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की तरफ। सबसे पहले है, ससेक्स CCC एंड क्रिकेट फाउंडेशन हैव लॉन्च T42 फूड बैंक इनिशिएटिव। तो ससेक्स CCC यानी कि काउंटी क्रिकेट क्लब और क्रिकेट फाउंडेशन ने T42 फूड बैंक पहल शुरू की है, और इसका शुरुआत किया गया है क्योंकि जो भी पेंडेमिक चल रही है, क्राइसिस चल रही है, उस दौरान फूड डोनेशन को बढ़ावा देने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, लियोनेल मेसी हैज़ बिकम फर्स्ट फुटबॉलर टू स्कोर 20 गोल्स इन वन सीज़न। तो अभी हाल ही में लियोनेल मेसी एक सत्र में 20 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर बन गए हैं। नेक्स्ट है एक बुक के बारे में, बुक जिसका टाइटल है इफ इट ब्लीड्स। ओके, टाइटल है इफ इट ब्लीड्स, इसको ऑथर किया गया यानी लिखा गया है स्टीफन किंग द्वारा, और इसको रिलीज़ कर दिया गया है। तो स्टीफन किंग द्वारा लिखित पुस्तक इफ़ इट ब्लीड्स का विमोचन किया गया है। नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग अप्रूव्ड 107 करोड़ रुपीज़ फॉर मॉडर्न फायर फाइटिंग फैसिलिटीज़ इन हल्दिया डॉक कोलकाता। शिपिंग मंत्रालय ने हल्दिया डॉक कोलकाता में आधुनिक अग्निशामन सुविधाओं के लिए 107 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। और लास्ट है, मुकेश अंबानी बिकम्स वर्ल्ड 6th रिचेस्ट मैन आफ्टर सरपासिंग एलॉन मस्क एंड गूगल फाउंडर्स सर्गे ब्रिन एंड लैरी पेज। एलॉन मस्क और गूगल के संस्थापक सर्गे ब्रिन और लैरी पेज को पीछे छोड़कर मुकेश अंबानी दुनिया के 6वें सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। अभी हाल ही में परसों की न्यूज़ में मैंने आपको बताया था कि दुनिया के 7वें सबसे अमीर आदमी थे, और अब ये 6वें नंबर पर आ गए हैं दुनिया के सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में। तो अब समय है आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड मलाला डे वॉज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मलाला दिवस मनाया गया था? तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। उसके बाद हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन। कल का क्वेश्चन था, विच पुलिस स्टेशन हैज़ बीन रैंक्ड एज द बेस्ट पुलिस स्टेशन ऑफ इंडिया। हाल ही में किस पुलिस स्टेशन को भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में स्थान दिया गया है? तो इसका सही आंसर था नादौन पुलिस स्टेशन।
और ये नौदौन पुलिस स्टेशन है हिमाचल प्रदेश में। ओके तो जिन्होंने भी इसका सही आंसर दिया उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस, इसी तरह सही आंसर देते रहिए। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और हेल्पफुल भी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 पे, और इसके अलावा आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, साथ में होंगे वन लाइनर्स और क्विज़ भी। तो मेक श्योर कल भी आप हमें इसी टाइम पे ज्वाइन करें। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।